गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो प्रीवियस 6 क्वेश्चंस थे वो लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं। अब हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 4y ब्रैकेट x प्लस 10। तो हम लास्ट टाइम के जैसे ही लिखेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड राइट कर लिए, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 4y 5 एक्स प्लस 10। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 5x इक्वल्स टू, और 4 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 4x प्लस 40। तो हम वेरिएबल्स इकट्ठे करेंगे, जो 5x है वो एक साइड की तरफ जाएगा, 4x तो माइनस का हो गया है, और 40 जब 4x 5x के पास गया तो प्लस का था माइनस में होगा, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 40। हमारा 7th क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास 8th क्वेश्चन रहता है। 8th क्वेश्चन है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, अब दोबारा से हम क्या लिखेंगे, लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो वेरिएबल्स वाले फ्रैक्शंस हैं वो एक साथ राइट कर लेंगे, 2x बाई 3 7x बाई 15 था वो इस साइड गया तो माइनस का हो गया इक्वल टू 3, ये यहां से इस साइड को आया तो माइनस का। तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 15 का, तो 3 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 राइट किया 15, 3 का टेबल 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 5 वन जा 5, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 15। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम आया 15, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 5 जा होता है 15, तो आंसर आया कितना 5, तो 5 टू जा 10x माइनस 15 वन जा 15 होता है तो 7x, 3 माइनस 1 तो 2 आ गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की 10 से 7 जो माइनस किया तब आता है 3x, और 2 मल्टीप्लाई 15 आ गया, तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15 बाय 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26y 3 माइनस y। हमने क्वेश्चन राइट किया है, हमारे पास अब जो दो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ राइट करना है। 2y जब y राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 26/3 था तो इस जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब 2y प्लस y कितना होता है 3y इक्वल्स टू, अब 3 दोनों सेम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स हैं तो एलसीएम 3 ही आएगा, 26 माइनस 5 किया तो हमारे पास आ गया 3y इक्वल्स टू 26 से जब 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 21/3, तो 3 का टेबल 3 वन जा 3, 3 7 जा 21, तो इसी के बाद हमारे पास आ जाता है 3y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7/3। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास वो है 3m, 10th क्वेश्चन है वो है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। तो हम दोबारा से रीअरेंज करेंगे, हम 3m राइट करेंगे, जब ये यहां से इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया 5m माइनस 8/5,
तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट किए, 2m आया, बड़ी टर्म माइनस में तो माइनस लगाया, 8/5 आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाई टू, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4/5 आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। थैंक यू।